Hello guys, as you can see on this slide, my name is Kailash Chandra. Today we are going to talk about the endocrine and metabolic disorders. In this lecture, we will focus on the structure of growth hormone, normal functions of growth hormone, and the disorders which are concerned with the growth hormone, like gigantism, acromegaly, dwarfism. Growth hormone एक प्रोटीन का बना हुआ हार्मोन है जिसको सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन भी कहते हैं और सोमेटोट्रॉपिन हार्मोन भी कहा जाता है। ये हार्मोन 191 अमीनो एसिड का बना हुआ है और सारे अमीनो एसिड जो हैं वो एक चेन में मौजूद होते हैं, मतलब सिंगल चेन का बना हुआ है ये ग्रोथ हार्मोन। और इसका मॉलिक्यूलर वेट है 22,000 कैलोरी। कि अगर फंक्शन की हम बात करें तो इसका मेन फंक्शन है ग्रोथ करवाना। जो भी बॉडी के टिश्यूज हैं जो काबिल हैं ग्रोथ के, उनमें ये ग्रोथ करवाता है। वो ग्रोथ किस तरह से करवाता है कि एक तो सेल्स की साइज इंक्रीज करता है और दूसरा सेल्स का नंबर इंक्रीज करता है। तो दो प्रोसेस होते हैं, एक हाइपरट्रॉफी और दूसरा हाइपरप्लेजिया। ये आप देख सकते हैं कि चार सेल्स थे ये, और यहाँ एरोज के थ्रू आप देख सकते हैं कि ये सेल्स की साइज इंक्रीज हुई है, और इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल्स इज कॉल्ड हाइपरट्रॉफी। मतलब जो भी सेल्स की साइज इंक्रीज होती है उस प्रोसेस को कहते हैं हाइपरट्रॉफी। और अगर सेल्स का नंबर इंक्रीज हो, यहाँ इस एरो के थ्रू आप देख सकते हैं कि सेल्स जो हैं इनकी साइज ये सेम ही है लेकिन नंबर इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज इन द नंबर इज कॉल्ड हाइपरप्लेजिया। हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया के थ्रू जो है टिश्यू की ग्रोथ होती है। सिर्फ ग्रोथ नहीं होती, टिश्यू की जो है वो डिफरेंशिएशन भी होती है। मतलब सेल्स जो है हमारी बॉडी की जो डिफरेंट सेल्स हैं वो भी ग्रोथ हार्मोन की वजह से हैं, मतलब डिफरेंशिएशन भी ग्रोथ हार्मोन करवाता है। सेल्स की साइज इंक्रीज करना, सेल का नंबर इंक्रीज करना और सेल्स में डिफरेंशिएशन पैदा करना ग्रोथ हार्मोन का काम है। ये ग्रोथ हार्मोन की स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है ये है। और अमीनो एसिड्स जो हैं किस तरह से जो है एग्रीगेट होते हैं और किस तरह से ये हार्मोन बनाते हैं वो भी आप देख सकते हैं कि सारे अमीनो एसिड्स जो हैं ये सारे सिंगल चेन में मौजूद है, मतलब एक ही चेन है। देखें उसके बाद अगर इसके मेटाबॉलिक अफेक्ट्स देखें, मतलब ये सिर्फ ग्रोथ नहीं करवाता बॉडी टिश्यू की, ये मेटाबॉलिज्म भी जो है वो करवाता है, मतलब मेटाबॉलिज्म को भी ये इन्फ्लुएंस करता है। तो इसके मेटाबॉलिक अफेक्ट्स कौन कौन से हैं वो हम पढ़ते हैं। इसका पहला मेन अफेक्ट जो है वो प्रोटियोजेनिक अफेक्ट है, मतलब प्रोटीन की एनाबॉलिज्म करवाना। ठीक है, जो हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस होती है, मतलब हमारी बॉडी के सेल्स जो हैं उनमें प्रोटीन सिंथेसिस को ये इंक्रीज करता है। दूसरा इसका मेटाबॉलिक इफेक्ट ये है कि ये फैट को मोबिलाइज करवाता है, मतलब जहाँ पे भी एडिपोज टिश्यू है हमारी बॉडी में। एडिपोज टिश्यू किसे कहते हैं, जहाँ पे फैट स्टोर हो, मतलब ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में जो फैट स्टोर होती है उसको कहते हैं एडिपोज टिश्यू। मतलब वो जो टिश्यू है जहाँ पे फैट स्टोर होती है उसको कहते हैं एडिपोज टिश्यू। तो ये हार्मोन क्या करवाता है कि वहाँ से फैट को मोबिलाइज करवाता है, मतलब फैट को तोड़ के वहाँ से फ्री फैटी एसिड्स को रिलीज करवा के ब्लड में लाता है। तो इसका मतलब इसको कहते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ फैटी एसिड्स। और तीसरा इसका मेटाबॉलिक इफेक्ट ये है कि ये ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन को कम करता है। नॉर्मली हमारे बॉडी में जो एनर्जी पर्पज के लिए जो मॉलिक्यूल यूज होता है वो ग्लूकोज होता है, लेकिन मतलब कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लेकिन ये हार्मोन क्या करवाता है कि ग्लूकोज यूटिलाइजेशन को कम करवाता है और फैट यूटिलाइजेशन बढ़ाता है, मतलब एनर्जी पर्पज के लिए फैट को फैट की यूटिलाइजेशन बढ़ाता है। तो इसके तीन मेन जो है मेटाबॉलिक इफेक्ट ये हैं। पहला अफेक्ट ये है प्रोटीन एनाबोलिक अफेक्ट। मेटाबॉलिज्म दो टाइप की होती है, एक एनाबॉलिज्म दूसरी कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मीन्स सिंथेसिस, कैटाबॉलिज्म मीन्स ब्रेकडाउन।
तो ये कौन सी चीजों की ब्रेक डाउन करवाता है और कौन सी चीजों की सिंथेसिस करवाता है, वो उनको कहते हैं मेटाबॉलिक अफेक्ट्स। तो पहला अफेक्ट हमने क्या पढ़ा कि इसका पहला अफेक्ट जो है वो प्रोटीन एनाबॉलिक अफेक्ट है, मतलब प्रोटीन की सिंथेसिस को ये इंक्रीज करता है बॉडी के सेल्स में। दूसरा फैट की कैटाबॉलिज्म करता है, मतलब फैट को ब्रेक डाउन करके फ्री फैटी एसिड्स को रिलीज करवाता है, और जो वो फ्री फैटी एसिड्स रिलीज होते हैं ब्लड में आते हैं, उसके बाद हर सेल के अंदर जाते हैं और वहाँ पे वो यूटिलाइज होते हैं एनर्जी पर्पज के लिए। नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट एनर्जी पर्पज के लिए यूज होता है, यूटिलाइज होता है, लेकिन ग्रोथ हार्मोन फैटी एसिड की यूटिलाइजेशन को बढ़ाता है, मतलब फैटी एसिड जो है वो एनर्जी पर्पज के लिए ज्यादा यूज होते हैं जब ग्रोथ हार्मोन होता है तो। और तीसरा अफेक्ट जो है ये ग्लूकोज यूटिलाइजेशन को डिक्रीज करता है एनर्जी पर्पज के लिए। तो मतलब इसके तीनों अफेक्ट हम साथ देखें तो क्या करता है, ये प्रोटीन्स को जो है स्पेयर करता है, मतलब प्रोटीन बॉडी प्रोटीन जो है उनको एनहेंस करता है, मतलब बढ़ जाते हैं प्रोटीन इसकी वजह से। और जो फैट है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू करती है, मतलब जो भी फैट स्टोर हुई होती है उसको यूटिलाइज करवा के कम करता है। और तीसरा अफेक्ट ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स को ये कंजर्व करता है, मतलब बचा के रखता है। हमने बात की कि जो ग्रोथ हार्मोन का पहला मेटाबॉलिक अफेक्ट है वो ये है कि प्रोटीन्स को इनहेंस करता है, मतलब बढ़ाता है बॉडी में। वो किस तरह से बढ़ाता है, कुछ मैकेनिज्म्स होंगे जिनके थ्रू ये बढ़ाता होगा। तो मतलब जो भी अमाइनो एसिड्स होते हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन को ये बढ़ाता है, मतलब अगर ब्लड में अमाइनो एसिड्स हैं तो उनको ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपोर्ट करके सेल के अंदर एंटर करवाता है, अमाइनो एसिड की ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाता है। उसके बाद जो अमाइनो एसिड सेल के अंदर गए हैं उनको प्रोटीन में ट्रांसलेट करवाता है, मतलब जो भी अमाइनो एसिड्स गए हैं उनको यूटिलाइज करके प्रोटीन मतलब सिंथेसिस इंक्रीज करता है। प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो राइबोसोम करवाते हैं और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। और ये किस तरह से होता है कि डीएनए की कॉपी होती है, आरएनए बनता है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन या न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन मतलब कॉपी होना, डीएनए की कॉपी होके आरएनए बनता है, और आरएनए जो बना है वो अब ट्रांसलेट होगा प्रोटीन में। तो दो प्रोसेस होते हैं, पहला प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन, मतलब डीएनए की कॉपी होके आरएनए बनना, और उसके बाद आरएनए से प्रोटीन बनना, उसको कहते हैं ट्रांसलेशन। तो दोनों को मिला के, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों को मिला के कहते हैं जीन एक्सप्रेशन, मतलब जीन जो है वो एक्सप्रेस हुई है, किस फॉर्म में क्या बना है, प्रोटीन बनेगा फाइनली। उसके बाद ये सिर्फ प्रोटीन बनाता नहीं है, मतलब प्रोटीन की सिंथेसिस को इंक्रीज नहीं करवाता, उसके साथ साथ जो है प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म को भी डिक्रीज करवाता है, मतलब जो प्रोटीन से नॉर्मली डिस्ट्रॉय होते रहते हैं उनकी डिस्ट्रक्शन को भी ये कम करता है, मतलब कैटाबॉलिज्म को भी कम करता है। तो ये प्रोसेस जो है ये प्रोटीन एनाबॉलिक अफेक्ट है। इसका पहला ग्रोथ हार्मोन का पहला मेटाबॉलिक अफेक्ट कौन सा है, प्रोटीन एनाबॉलिक अफेक्ट। इसके थ्रू जो है प्रोटीन जो है इनहेंस होंगे बॉडी, मतलब बढ़ेंगे, उनका जो अमाउंट बढ़ेगा। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन आप इसमें देख सकते हैं कि डीएनए, ठीक है, डीएनए से डीएनए जो बनता है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, इससे अगर दूसरा डीएनए बने तो उसको कहते हैं रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। तो ये देख सकते हैं आप, ये क्या कहते हैं रेप्लिकेशन, मतलब डीएनए से डीएनए बनना, या इसका दूसरा टर्म है डुप्लीकेशन, मतलब डीएनए से दूसरा डीएनए बनना उसको डुप्लीकेशन भी कहते हैं या रेप्लिकेशन कहते हैं। पर अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बने तो उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, डीएनए से आरएनए बनना उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनना उसको कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों को मिला के कहते हैं जीन एक्सप्रेशन, मतलब इसमें डीएनए में कोई जीन थी उसकी कॉपी हुई, मैसेंजर आरएनए बना और आरएनए ट्रांसलेट होकर प्रोटीन बना, मतलब जीन जो है एक्सप्रेस हुई है किस फॉर्म में, प्रोटीन की फॉर्म में, प्रोटीन बना है फाइनली, कहते हैं जीन एक्सप्रेस।
अगर मैसेंजर आरएनए से डीएनए बने तो उसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बना था उसको ट्रांसक्रिप्शन कह रहे थे, अब आरएनए से अगर डीएनए बने तो उसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो जो प्रोटीन्स बनते हैं वो इस तरह से बनते हैं कि पहले डीएनए के मतलब सेगमेंट की फंक्शनल सेगमेंट्स जो होते हैं जीन्स उनकी कॉपी होती है, और मैसेंजर आरएनए बनते हैं, और आरएनए जो है वो वहाँ से न्यूक्लियस से ट्रांसपोर्ट होके आते हैं राइबोसोम्स के पास एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के ऊपर, वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। दूसरा का मेटाबॉलिक फैट ग्रोथ हार्मोन का ये था कि ये फैट की यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करता है फॉर एनर्जी पर्पज। तो किस तरह से करता है, पहले फैट अक्यूमुलेट मतलब जो जहाँ पे भी फैट अक्यूमुलेट हुई होती है वहाँ से फ्री फैटी एसिड को रिलीज करवा के बॉडी टिश्यूज में लाता है, मतलब जैसे ब्लड है ब्लड में आते हैं फ्री फैटी एसिड, उसके बाद सेल के अंदर इंटर होते हैं जो भी डिफरेंट सेल्स हैं बॉडी के, उनमें इंटर होने के बाद जो है ये कन्वर्ट होता है एसिटाइल को एंजाइम ए में, जैसे कहते हैं एसिटाइल को ए। मतलब ग्रोथ हार्मोन का इफेक्ट ये है कि फैट को वहाँ से मोबिलाइज करके फ्री फैटी एसिड्स को ब्लड में लाना, उसके बाद सेल्स के अंदर इंटर करना, इंटर करने के बाद फ्री फैटी एसिड्स को कन्वर्ट करना एसिटाइल को ए में, और एसिटाइल को ए जो है वो एनर्जी यूटिलाइजेशन में मतलब यूटिलाइज होता है, एनर्जी प्रोडक्शन में यूटिलाइज होता है। तो इसका मतलब ग्रोथ हार्मोन का इफेक्ट ये हुआ कि ये ग्रोथ हार्मोन जो है कार्बोहाइड्रेट्स को स्पेयर करता है, प्रोटीन्स को स्पेयर करता है, लेकिन फैट को जो है ज़्यादा यूटिलाइज करता है एनर्जी पर्पज के लिए। देखें ग्रोथ हार्मोन क्या करवा रहा है कि प्रोटीन की मतलब यूटिलाइजेशन को कम कर रहा है, प्रोटीन की सिंथेसिस को इंक्रीज कर रहा है, और प्रोटीन की डिस्ट्रक्शन को कम कर रहा है। इस तरह से ज़्यादा मतलब बनते जाएंगे बॉडी में, और जो है फैट ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज होती रहेगी। तो इस तरह से जो है एक बंदा, आप दो बंदे देख सकते हैं, ये फैटी बंदा है मतलब इसकी बॉडी पे फैट एक्युमुलेट हुई हुई है, और ये जो है इसके ऊपर मतलब फैट नहीं है, ये सारी जो है मस्कुलर बॉडी है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन है। तो इसका ग्रोथ हार्मोन का इफेक्ट ये हुआ कि इस बॉडी को कन्वर्ट कर दिया इसमें, अगर ग्रोथ हार्मोन नहीं होगा डेफिशिएंट होगा तो इस तरह की बॉडी होगी, अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा होगा और तो वो क्या करेगा इस फैटी बॉडी को कन्वर्ट कर देगा मस्कुलर बॉडी में। तो ये दो बंदे जो हैं इन भले इसका वेट इस बंदे का ज़्यादा हो इसका कम हो, लेकिन इसका लीन बॉडी मास जो है वो ज़्यादा है इस बंदे का। लीन बॉडी मास किसे कहते हैं, जिसमें मसल ज़्यादा हो प्रोटीन ज़्यादा हो उसको कहते हैं लीन बॉडी मास। तो इसका लीन बॉडी मास कम है इसका ज़्यादा है, इसका लीन बॉडी मास इसकी वजह से है ग्रोथ हार्मोन की वजह। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, फैट जो भी ये फैट है इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन बना के बॉडी को कन्वर्ट कर देता है इस फॉर्म में, ये ग्रोथ हार्मोन का इफेक्ट। वो पिक्चर आपको पसंद नहीं आई तो ये देख लें, इसमें दो ये लड़कियां हैं, इसका लीन बॉडी मास इस लड़की का ज़्यादा है और इसका कम है, इसकी बॉडी जो है वो फैटी बॉडी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फैट एक्युमुलेट हुई हुई है। हमने बात की कि जो ग्रोथ हार्मोन है वो नॉर्मली क्या करवाता है कि प्रोटीन की मतलब प्रोडक्शन बढ़ाता है, प्रोटीन की डिस्ट्रक्शन कम करता है, इस तरह से प्रोटीन से ज़्यादा जमा होते जाते हैं बॉडी। और दूसरा इफेक्ट इसका ये था कि ग्रोथ हार्मोन क्या कर रहा था कि जहाँ पे भी फैट एक्युमुलेट हुई है वहाँ से फैट को रिलीज करवा के फ्री फैटी एसिड की फॉर्म में, और फ्री फैटी एसिड्स को यूज करवाना एनर्जी यूटिलाइजेशन में, ये उसका इफेक्ट था। पर अगर ग्रोथ हार्मोन एक्सेसिव अमाउंट में होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा फैट जो है वो मोबिलाइज होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्री फैटी एसिड्स ब्लड में आएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्री फैटी एसिड्स यूज होंगे एनर्जी यूटिलाइजेशन के लिए। और बनता क्या है फ्री फैटी एसिड से, मतलब वो कन्वर्ट होते जाते हैं एसीटो एसिटिक एसिड में, और ये मतलब प्रोसेस कहाँ पे होता है, लिवर में।
अगर ग्रोथ हार्मोन एक्सेसिव अमाउंट में होगा और फैटी एसिड से ज्यादा एसिटो एसिटिक एसिड बनेगा तो लिवर जो है वो फैटी लिवर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लिवर जो नॉर्मल उसका मतलब पैरेन्काइमा है, जो फंक्शनल टिश्यू है, वो कन्वर्ट हो जाएगा फैट में, ज्यादा से ज्यादा वहां पे फैट एक्युमुलेट होना शुरू हो जाएगी, तो मतलब ये फैटी लिवर हो जाएगा। और एसिटो एसिटिक एसिड ज्यादा होने से क्या होगा कि कीटोसिस हो जाएगी, मतलब कीटोन्स बनते हैं ना, कीटोन बॉडीज ज्यादा से ज्यादा एनर्जी पर्पज के लिए यूटिलाइज हो रही है, तो जहाँ मतलब अगर ब्लड में कीटोन बॉडीज ज्यादा होंगी तो उसको क्या कहेंगे, उस कंडीशन को कीटोसिस, मतलब कीटोसिस हो जाएगी। अगर ज्यादा ग्रोथ हार्मोन होगा एक्सेसिव अमाउंट में तो फैटी एसिड्स एक्सेसिव अमाउंट में होंगी, और फैटी एसिड से एसिटो एसिटिक एसिड ज्यादा बनेगा, और उस कंडीशन को जिसमें कीटोन बॉडीज ज्यादा हो ब्लड में उस कंडीशन को कहते हैं कीटोसिस, तो कीटोसिस हो जाएगी कंडीशन। और जो लिवर है, मतलब जो ये पूरा प्रोसेस करवाता है, और लिवर जो है वो फैटी लिवर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब उसका नॉर्मल जो फंक्शनल टिश्यू है वो कम होता जाएगा और फैट ज्यादा होती जाएगी, तो वो लिवर कन्वर्ट हो जाएगा फैटी लिवर में। और तीसरा इसका मेटाबॉलिक इफेक्ट ये था कि ग्रोथ हार्मोन कार्बोहाइड्रेट की यूटिलाइजेशन को कम करता है फॉर एनर्जी पर्पज। नॉर्मली एनर्जी पर्पज के लिए कार्बोहाइड्रेट ज्यादा यूज होता है, लेकिन ग्रोथ हार्मोन इसकी यूटिलाइजेशन को कम करता है। तो इसके जो अफेक्ट्स हैं वो कहते हैं कि ये ग्लूकोज अपटेक को कम करता है, मतलब स्केलेटल मसल्स जो हैं या जो मतलब एडिपोज टिश्यू है वहाँ पे इसकी अपटेक कम करवाएगा, मतलब एंट्री जो है सेल के अंदर कम करवाएगा। दूसरा अफेक्ट ये कि लिवर से ज्यादा ग्लूकोज प्रोड्यूस करवाएगा, ग्लूकोज ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ग्लूकोज की अपटेक कम होगी, और इस तरह से जो है वो हाइपरग्लाइसीमिया होगी। लेकिन लिवर से अगर ग्लूकोज ज्यादा बन रहा है, वो बन के कहाँ पे आएगा, ब्लड में, और ब्लड में जो ग्लूकोज है वो अगर स्केलेटल मसल्स में या कहीं सेल्स उसको अपटेक नहीं कर रहे तो ग्लूकोज ब्लड में ज्यादा एक्युमुलेट होना शुरू करेगा, जमा होना शुरू करेगा, तो नॉर्मल जो लेवल है ग्लूकोज का, ब्लड ग्लूकोज का, वो बढ़ता जाएगा, उस कंडीशन को कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। 90 mg/dL से अगर बढ़ता है, मतलब बढ़ता बढ़ता वो कंडीशन जो है वो डेवलप होगी, उसको क्या कहेंगे, हाइपरग्लाइसीमिया, मतलब ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज्यादा है। और जब हाइपरग्लाइसीमिया होती है तो इंसुलिन सीक्रेशन बढ़ती है, इंसुलिन एक हार्मोन है, ऐसा हार्मोन है जो कि हाइपरग्लाइसीमिया को कम करता है, मतलब ग्लूकोज की अपटेक बढ़ाता है सेल की, और ग्लूकोज अगर अपटेक ज्यादा होगी तो ब्लड में ग्लूकोज कम होगा। तो जब हाइपरग्लाइसीमिया होती है तो पैंक्रियाज के बीटा सेल से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको कहते हैं इंसुलिन, मतलब इंसुलिन प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी हाइपरग्लाइसीमिया में, तो ग्रोथ हार्मोन के अफेक्ट होंगे। इसके साथ साथ मेटाबॉलिक अफेक्ट्स के साथ साथ ग्रोथ हार्मोन का मेन काम क्या है कि ग्रोथ करवाना, मतलब जो कार्टिलेजेस हैं या बोन्स जो हैं उनकी ग्रोथ को बढ़ाना ग्रोथ हार्मोन का काम है। तो ये किस तरह से बढ़ाता है कि जो सेल्स होते हैं बोन में या कार्टिलेजेस में, जिसको कहते हैं कोंड्रोसाइटिक सेल्स, कोंड्रो वर्ड किसके लिए यूज होता है, कार्टिलेज के लिए, कोंड्रोसाइटिक सेल्स या ऑस्टियोजेनिक सेल्स, ऑस्टियो मीन्स बोन, ऐसे सेल्स जो बोन प्रोड्यूस करते हैं उसको कहते हैं ऑस्टियोजेनिक सेल्स। तो ये जो है कोंड्रोसाइटिक और ऑस्टियोजेनिक सेल्स में प्रोटीन की डिपोजिशन को बढ़ाते हैं, मतलब प्रोटीन प्रोड्यूस भी ज्यादा होगा और डिपोजिट ज्यादा होगा उनमें, तो इस तरह से जो है ये ग्रोथ होगी बोन की या कार्टिलेज की। और दूसरा अफेक्ट इसका ये है कि ये कोंड्रोसाइटिक सेल्स हैं या ऑस्टियोजेनिक सेल्स जो है उनकी रिप्रोडक्शन को बढ़ाता है, मतलब उनमें ज्यादा से ज्यादा जो है माइटोसिस होगी, सेल डिवाइड होंगे और अमाउंट सेल का ज्यादा होगा, काउंट ज्यादा होगा। और तीसरा फैक्ट इसका ये है कि कोंड्रोसाइट्स को कन्वर्ट करता है ऑस्टियोजेनिक सेल्स में, इस तरह से जो है वो न्यू बोन सिंथेसिस होना शुरू करेगी, डिपोजिट होना शुरू करेगी, इस तरह से कार्टिलेजेस जो है वो कन्वर्ट होते हैं बोन्स में।
तो ये हैं इसके अफेक्ट्स। ग्रोथ हार्मोन जो है वो दो तरीकों से जो है वो अफेक्ट कर सकता है, मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उसका ये कि वो डायरेक्टली एक्ट कर सकता है और इनडायरेक्टली भी कर सकता है। तो डायरेक्ट हमने जो है पढ़े हैं वो डायरेक्टली भी हो सकती है ग्रोथ, मतलब सेल की ग्रोथ हो सकती है, टिश्यू की ग्रोथ हो सकती है, मेटाबॉलिज्म हो सकती है। लेकिन इनडायरेक्टली अफेक्ट वो किस तरह से करता है कि इंटरमीडिएट मतलब एक दूसरा कोई सब्सटेंस बनेगा जिसके थ्रू वो एक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर ग्रोथ हार्मोन लिवर पे एक्ट करता है, लिवर की जो सेल्स हैं हेपाटोसाइट्स उन पे अगर वो एक्ट करे और हेपाटोसाइट्स अगर कोई दूसरा सब्सटेंस इंटरमीडिएट सब्सटेंस बनाए जो कि आगे काम करें तो मतलब उसको कहते हैं सोमेटोमेडिन्स। मतलब ग्रोथ हार्मोन जब लिवर पे एक्ट करता है तो लिवर के सेल्स हेपाटोसाइट्स जो हैं वो एक सब्सटेंस बनाते हैं जिसको कहते हैं सोमेटोमेडिन्स, और सोमेटोमेडिन्स को इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर भी कहा जाता है। तो ये सोमेटोमेडिन्स जो हैं ये भी ग्रोथ हार्मोन की तरह जो हैं एक्ट करते हैं और टिश्यू की ग्रोथ करवाते हैं, जो भी बोन्स या कार्टिलेज या जो भी ग्रोथ होती है टिश्यू की वो सोमेटोमेडिन्स करवाते हैं। सोमेटोमेडिन्स को क्यों कहते हैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, क्योंकि जो इंसुलिन हार्मोन का अफेक्ट है ग्रोथ पे वैसा ही अफेक्ट जो है ये दिखाते हैं सोमेटोमेडिन्स, इसीलिए कहते हैं कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। ऐसे तो मतलब 4 टाइप्स के सोमेटोमेडिन्स डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन उनमें सबसे अहम जो है वो है सोमेटोमेडिन सी या इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 IGF-1, ये जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसका मॉलिक्यूलर वेट अगर देखें तो 7500 डाल्टन इसका वेट है, मॉलिक्यूलर वेट सोमेटोमेडिन सी का। और जो इसकी मतलब कंसंट्रेशन होती है वो ग्रोथ हार्मोन के ऊपर डिपेंड करती है कि ग्रोथ हार्मोन जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा कंसंट्रेशन सोमेटोमेडिन सी की भी होगी। नॉर्मली जो है ग्रोथ हार्मोन ज्यादा होता है तो सोमेटोमेडिन सी भी ज्यादा होता है, लेकिन जो अफ्रीका में एक ऐसा ट्राइब है जिसमें कंजनाइटल इनएबिलिटी होती है सोमेटोमेडिन सी बनाने की, मतलब वहाँ पे जो एक ट्राइब है जिनमें सोमेटोमेडिन सी नहीं बन पाता बचपन से, मतलब पैदाइशी नहीं बन पाता, उसको कहते हैं कंजनाइटल इनएबिलिटी टू सिंथेसाइज सोमेटोमेडिन सी, मतलब उनमें सोमेटोमेडिन सी नहीं बन पाता। तो सोमेट मैंने आपको क्या बताया कि ग्रोथ हार्मोन जो है वो एक्ट किसके थ्रू करता है, इंटरमीडिएट सब्सटेंस के थ्रू करता है ज़्यादातर, वो इंटरमीडिएट सब्सटेंस सोमेटोमेडिन सी है। अगर सोमेटोमेडिन सी नहीं बन रहा तो जो है तो भी ग्रोथ नहीं होगी बॉडी की, ठीक है, तो वो जो है वो शार्ट हाइटेड होंगे, मतलब उनकी जो हाइट है वो शार्ट होगी, मतलब शार्ट हाइटेड लोग होंगे वहाँ पे जिनमें सोमेटोमेडिन सी नहीं बन पाता। तो ऐसा ट्राइब अफ्रीका का ऐसा ट्राइब जिसमें सोमेटोमेडिन सी नहीं बनता, कंजनाइटल इनेबिलिटी है, वो शार्ट हाइटेड होते हैं और शार्ट हाइटेड लोगों को ड्वार्फ कहते हैं, ठीक है, तो मतलब वो सारे जो हैं वो ड्वार्फ होंगे, शार्ट हाइटेड होंगे जिनमें सोमेटोमेडिन सी नहीं बन पाता, तो उसको कहते हैं पिग्मीज ऑफ अफ्रीका। अगर अफ्रीका का वो ट्राइब है जिनमें सोमेटोमेडिन सी नहीं बन पाता तो उस पूरे ट्राइब को क्या कहते हैं, पिग्मीज ऑफ अफ्रीका। पर अगर किसी और जगह से, किसी और लोकेशन से, किसी और कंट्री से अगर वहाँ पे भी सेम मतलब कंडीशन है, वहाँ पे भी सोमेटोमेडिन सी नहीं बन पाता, उनमें भी कंजनाइटल इनेबिलिटी हो, तो उनको कहते हैं लेवी लॉरेन ड्वार्फ। मतलब दोनों में जो है कंडीशन सेम है, दोनों में सोमेटोमेडिन सी नहीं बन पाता, तो दोनों की हाइट जो है वो शार्ट होगी। और अफ्रीका से अगर बिलोंग करते हैं तो उनको कहते हैं पिग्मीज ऑफ अफ्रीका, अगर अफ्रीका से बिलोंग नहीं करते किसी और जगह से हैं तो उनको कहते हैं लेवी लॉरेन ड्वार्फ। अब हम बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन की, रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन, मतलब किस तरह से ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन रेगुलेट होती है। ग्रोथ हार्मोन जो है दूसरे हार्मोन्स की तरह नहीं है, ग्रोथ हार्मोन जो है
पल्सटाइल पैटर्न से रिलीज होता है, मतलब कभी ये इसकी सिक्रेशन इंक्रीज होती है तो कभी डिक्रीज होती है। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इसको रेगुलेट करते हैं, मतलब कोई भी बंदा है उसकी न्यूट्रिशनल स्टेट जो है वो भी इसको इन्फ्लुएंस कर सकती है, या उसकी स्ट्रेस में भी जो है हार्मोन सिक्रेशन ज़्यादा हो सकती है। तो मतलब ये जो है फैक्टर्स इसको स्टिमुलेट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हार्मोन ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं? पहला जो फैक्टर है वो है स्टारवेशन। जो स्टारवेशन है, प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशन जो है वो इसको स्टिमुलेट करती है, मतलब जो भूखा रहना, मतलब स्टारवेशन मतलब भूखा रहना, भूख में जो है ये इसकी सिक्रेशन इंक्रीज होती है। स्पेशली स्टारवेशन मतलब जो फास्टिंग है, जैसे फास्टिंग में ये ज़्यादा सीक्रेट होता है ग्रोथ हार्मोन। पर अगर हमको कोई ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो, सीवियर डेफिशिएंसी हो, तो भी ये ग्रोथ हार्मोन की सीक्रेशन को स्टिमुलेट कर सकती है प्रोटीन की डेफिशिएंसी। दूसरा जो है हाइपोग्लाइसीमिया। जब भी ब्लड ग्लूकोज लेवल लो होता है तो वो हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन जो है ग्रोथ हार्मोन की सीक्रेशन को स्टिमुलेट करती है। और लो फैटी एसिड्स, लो कंसंट्रेशन ऑफ फैटी एसिड्स, मतलब ब्लड में अगर फैटी एसिड्स कम हो तो भी ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन स्टिमुलेट हो सकती है, मतलब ज़्यादा हो सकती है। और एक्सरसाइज, जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो तब जो है ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन ज़्यादा होती है, या कोई एक्साइटमेंट हो तो भी ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन इंक्रीज हो सकती है। ट्रॉमा जो है, ये स्ट्रेसफुल कंडीशन है, ट्रॉमा मतलब इंजरी वगैरह, तो उसमें भी जो है ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन ज़्यादा होती है, या ग्रेलिन हार्मोन की वजह से भी सिक्रेशन इंक्रीज हो सकती है। ग्रेलिन हार्मोन जो है, हम खाना खाते हैं उससे थोड़ी देर पहले ग्रेलिन हार्मोन सिक्रेट होना शुरू करता है, मतलब जब भी मतलब टाइम हो जाता है खाने का, जैसे रूटीन में हमारा ब्रेकफास्ट करने का, या दिन का खाना या रात का खाना, तो मतलब वो खाना खाने से पहले जो है वो ग्रेलिन हार्मोन सिक्रेट होता है, तब भी ये ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन इंक्रीज हो सकती है ग्रेलिन की वजह से। और जो है डीप स्लीप में भी ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन ज़्यादा होती है, मतलब स्लीप जो है वो अगर डीप हो तो उसके पहले दो घंटे जो है उसमें ज़्यादा सिक्रेशन होती है ग्रोथ हार्मोन की। मतलब ये जो जो भी कंडीशन अभी बताई, स्टारवेशन हो, हाइपोग्लाइसीमिया हो, या ट्रॉमा हो, एक्साइटमेंट हो, ये सारी कंडीशंस जो हैं स्टिमुलेट करती हैं, मतलब ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन को ज़्यादा करती है, इंक्रीज करती है उसको, मतलब बढ़ाती है सिक्रेशन। तो ये कुछ कंडीशंस हैं या मतलब फैक्टर्स हैं जो कि ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं, और ये जो है इनहिबिट करते हैं, मतलब रोकते हैं ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन। तो मतलब ये बिल्कुल अपोजिट होंगे एक दूसरे से। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो लो हो, मतलब डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज हो, तो ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन इंक्रीज होती है, मतलब इसको हाइपोग्लाइसमिक कंडीशन कहते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया क्या करता है, स्टिमुलेट कर रहा है ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन को। अगर इसकी मतलब अपोजिट में कोई स्टेटमेंट देखें तो ये है कि इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज, मतलब हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया क्या करती है, ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन को इनहिबिट करती है। और अगर यहाँ पे देखें डिक्रीज ब्लड फैटी एसिड्स, फ्री फैटी एसिड्स अगर ब्लड में कम हो तो जो है ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन स्टिमुलेट होती है, और अगर ज़्यादा हो फ्री फैटी एसिड्स तो ब्लड ग्लूकोज सॉरी ब्लड में अगर फ्री फैटी एसिड ज़्यादा हो तो ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन इनहिबिट होती है। स्पेशली जो है अमाइनो एसिड्स की अगर हम बात करें तो आर्जिनिन अमाइनो एसिड्स अगर ज़्यादा हो ब्लड में तो ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन बढ़ती है। अगर जो है यहाँ पे कोई अमाइनो एसिड की स्टेटमेंट नहीं है, स्टारवेशन, फास्टिंग या प्रोटीन डेफिशिएंसी में भी ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होता है। ट्रॉमा, स्ट्रेस, एक्साइटमेंट या एक्सरसाइज में भी ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन इंक्रीज होती है, या टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन अगर ज़्यादा हो ब्लड में तो भी ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन इंक्रीज होती है। डीप स्लीप, मतलब जो स्लीप
है, उसके भी स्टेजेस हैं। तो स्टेज टू और स्टेज फोर में जो है उसको डीप स्लीप कहते हैं, उसमें ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन इंक्रीज होती है। और अगर ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आए हाइपोथैलेमस से तो भी ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन इंक्रीज होती है। ग्रेलिन हार्मोन की वजह से भी ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन इंक्रीज होती है। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है आपस में मिले हुए हैं, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन सिक्रेटिंग मतलब सिक्रेटिंग हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से आता है और एंटीरियर पिट्यूटरी में सेल्स होते हैं जिनको कहते हैं सोमेटोट्रॉफ। सोमेटोट्रॉफ सेल हार्मोन सिक्रेट करते हैं जिसको कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। तो सोमेटोट्रॉफ्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से दो टाइप के फैक्टर्स आते हैं, एक को कहते हैं रिलीजिंग फैक्टर, दूसरे को कहते हैं इनहिबिटिंग फैक्टर। तो ये जो हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये हाइपोथैलेमस से आता है पिट्यूटरी ग्लैंड में और वहां पे सोमेटोट्रॉफ को इन्फ्लुएंस करता है। जब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आता है हाइपोथैलेमस से तो सोमेटोट्रॉफ्स की एक्टिविटी बढ़ती है, और अगर हाइपोथैलेमस से ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन आए तो सोमेटोट्रॉफ की एक्टिविटी कम होती है। मतलब इस तरह से हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है सोमेटोट्रॉफ की एक्टिविटी। सोमेटोट्रॉफ कहाँ पे होते हैं? इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, जो कि बनाते हैं ग्रोथ हार्मोन। ये सारे जो हैं स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स हैं, मतलब हाइपोग्लाइसिमिया हो, लो फैटी एसिड्स हो, अमाइनो एसिड्स इंक्रीज हो ब्लड में, या स्टारवेशन हो, फास्टिंग हो, या प्रोटीन डेफिशिएंसी हो, ट्रामा, स्ट्रेस, एक्सरसाइज, एक्साइटमेंट, या टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाए, इस्ट्रोजन बढ़ जाए, डीप स्लीप, ग्रेलिन हार्मोन, ये सारे स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स हैं। ये सारे क्या करते हैं? ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन को बढ़ाते हैं, और ये सारे इनहिबिटिंग फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन को रोकते हैं या इनहिबिट करते हैं। मतलब हाइपरग्लाइसीमिया ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन को इनहिबिट करता है। इंक्रीज ब्लड फैटी एसिड्स भी इसको इनहिबिट करते हैं। एजिंग मतलब हमारी एज अगर बढ़ जाए तो एज बढ़ने से भी ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन आहिस्ता आहिस्ता कम होती है। ओबेसिटी में भी ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन कम होती है। अगर हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन, मैंने आपको अभी बताया कि दो टाइप के फैक्टर्स आते हैं, अगर रिलीजिंग फैक्टर आता है तो ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन बढ़ती है, अगर इनहिबिटिंग फैक्टर आता है तो ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन कम होती है। जो हाइपोथैलेमस से इनहिबिटरी हार्मोन आता है उसको सोमेटोस्टेटिन भी कहा जाता है, सोमेटोस्टेटिन। और अगर ग्रोथ हार्मोन एक्सोजीनस हम दें किसी पेशेंट को या किसी बंदे को तो भी उसमें ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक्सोजीनस मतलब जो बाहर से प्रोड्यूस हो, जो इंजेक्शन के थ्रू हम लेते हैं। तो एक्सोजीनस ग्रोथ हार्मोन देने से बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन कम होना शुरू हो जाती है। और सोमेटोमेडियंस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं तो भी ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन कम होती है। तो ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन ज्यादा है या कम है वो कैसे पता चले? तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि पहले हम नॉर्मल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद नॉर्मल फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद जो है वो हम डिस्टर्बेंस पढ़ेंगे। अगर हमें नॉर्मल मतलब जो कंसंट्रेशन है ग्रोथ हार्मोन की वो नहीं पता तो हमें नहीं पता चलेगा कि ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन ज्यादा हो रही है या ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन कम हो रही है। तो पहले जो है हम ग्रोथ हार्मोन की नॉर्मल सिक्रेशन पढ़ते हैं कि वो कितनी होती है। अगर एडल्ट में देखें, जो एडल्ट हैं मेल या फीमेल, उसमें 1.623 नैनोग्राम पर एमएल थिकनेस की कंसंट्रेशन होती है ग्रोथ हार्मोन की। ये ग्रोथ हार्मोन की कंसंट्रेशन है एडल्ट में। और अगर एडोलेसेंट्स में मतलब एडल्ट से कम एज वाले जो हैं या चाइल्ड जो हैं वो हों तो उसमें 6 नैनोग्राम पर एमएल, 1 ml में 6 नैनोग्राम कंसंट्रेशन होगी ग्रोथ हार्मोन की। और कभी कभी जो है ये वैल्यूज बढ़ जाते हैं, 50 नैनोग्राम तक पहुंच जाते हैं जब सीवियर डेफिशिएंसी हो प्रोटीन की, मतलब प्रोटीन जो है डिप्लेट होना शुरू हो जाए या कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल डिप्लेट होना शुरू हो जाए। किस वजह से? स्टारवेशन या फास्टिंग की वजह से। तो ये 50 नैनोग्राम तक भी पहुंच सकती है।
मैंने आपको बताया था कि स्टार्वेशन में ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन इंक्रीज होती है, इतनी इंक्रीज हो सकती है 50 नैनोग्राम तक स्टार्वेशन में, अगर सीवियर डेफिशिएंसी हो प्रोटीन्स की और कार्बोहाइड्रेट्स। थोड़ी देर पहले मैंने जो आपको बताया कि हाइपोथैलेमस से दो फैक्टर्स आते हैं जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के सेल्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। इनहिबिटरी हार्मोन को सोमेटोस्टेटिन भी कहा जाता है। ये दो हार्मोन्स हैं जो कि एंटीडर पिट्यूटरी सेल्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनकी सिक्रेशन को कम करते हैं या बढ़ाते हैं। एंटीडर पिट्यूटरी का सिर्फ एक सेल की हम बात करें, इसमें डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं जो डिफरेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। एंटीडर पिट्यूटरी का वो सेल जो ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करता है उसको कहते हैं सोमेटोट्रॉप्स। सोमेटोट्रॉप्स को ये दोनों हार्मोन इन्फ्लुएंस करते हैं, उनकी एक्टिविटी को कम करते हैं या बढ़ाते हैं। तो जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है वो पेप्टाइड हार्मोन है जो कि 44 अमीनो एसिड्स का बना हुआ है, और सोमेटोस्टेटिन जिसको ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन कहते हैं वो 14 अमीनो एसिड्स का बना हुआ है, मतलब दोनों पेप्टाइड हार्मोन है। और ग्रोथ हार्मोन जो है वो प्रोटीन हार्मोन है जो कि 191 अमीनो एसिड्स का बना हुआ है। ये हाइपोथैलेमस है, ऊपर जो दिखाई दे रहा है आपको ये ग्लैंड हाइपोथैलेमस है, और ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके दो लोब हैं एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये हाइपोथैलेमस, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी और ये एंटीरियर पिट्यूटरी। तो पहले हम इसके कनेक्शन के बारे में बात करते हैं कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है आपस में किस तरह से कनेक्टेड है, इनका जो है कनेक्शन कैसा है। हाइपोथैलेमस में कुछ सेल्स होते हैं जो कि हार्मोन सीक्रेट करते हैं जिसको कहते हैं न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स, मतलब ऐसे न्यूरॉन्स जो हार्मोन सीक्रेट करते हैं उसको कहते हैं न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स। ये यहाँ से हार्मोन सीक्रेट करते हैं और हार्मोन जो है ट्रांसपोर्ट होके ब्लड में ऐड होते हैं और ब्लड में होते होते वो एंटीरियर पिट्यूटरी तक जाते हैं। तो ये जो वेस्कुलर, इनके बीच में जो हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में जो कनेक्शन है वो वेस्कुलर कनेक्शन है, मतलब ब्लड वेसल्स का कनेक्शन है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी की अगर बात करें तो इनका कनेक्शन हाइपोथैलेमस से वेस्कुलर कनेक्शन नहीं है, ये न्यूरल कनेक्शन है, मतलब न्यूरॉन्स जो हैं वो यहाँ से लेके यहाँ तक होते हैं जो हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, इनके बीच में कोई भी ब्लड वेसल का कनेक्शन नहीं। तो ये न्यूरल कनेक्शन है और ये वेस्कुलर कनेक्शन है, ये हाइपोथैलेमस है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी है। तो यहाँ पे अगर न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करते हैं या ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन सीक्रेट करते हैं तो वो यहाँ से होते ब्लड में ऐड होंगे और ब्लड से होते होते वो एंटीरियर पिट्यूटरी तक आएंगे, और इसमें एक टाइप का सेल होता है एंटीरियर पिट्यूटरी में जिसको सोमेटोट्रॉप्स कहते हैं, उसकी एक्टिविटी को ये अल्टर करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे या बढ़ाएंगे एक्टिविटी या कम करेंगे। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो टाइप के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ADH और ऑक्सीटोसिन। ये यहाँ पे सिर्फ नर्व एंडिंग्स में स्टोर होते हैं, बाकी बनते दोनों हार्मोन ADH और ऑक्सीटोसिन हाइपोथैलेमस से हैं, यहाँ से बनते हैं ADH और ऑक्सीटोसिन हाइपोथैलेमस से बन के यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होके नर्व एंडिंग्स में स्टोर होते हैं, मतलब ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से बनते नहीं है, सिर्फ यहाँ से रिलीज होते हैं, यहाँ से ब्लड में ऐड होते हैं। बाकी यहाँ पे जो ग्रोथ हार्मोन जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से बनता है और उसकी एक्टिविटी को, एंटीरियर पिट्यूटरी सेल्स की एक्टिविटी को अल्टर करने वाले जो हार्मोन हैं वो हाइपोथैलेमस से आते हैं, जिनको कहते हैं ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। तो अगर सर्कुलेशन की बात करें, ब्लड सर्कुलेशन की, तो इस सर्कुलेशन को कहते हैं हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सर्कुलेशन। हाइपोथैलेमिक मीन्स हाइपोथैलेमस, हाइपोफाइजियल मीन्स पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इस पूरी सर्कुलेशन का नाम है हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजियल पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें दो कैपिलरी बेड्स हैं, आप देख सकते हैं कि ये कैपिलरी बेड है, दूसरा कैपिलरी बेड ये है, दो अगर दो कैपिलरी बेड्स हों तो उसको कहते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। दूसरी जो सर्कुलेशन है बॉडी में वहाँ पे क्या होता है, आर्टरी होती है, उसके बाद आर्टरियोल्स होते हैं, फिर कैपिलरीज होती हैं, फिर वेन्यूल्स होते हैं, फिर वेन होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है,
यहाँ पे अगर आर्टरी है उसके बाद आर्टरियोल्स, फिर कैपिलरी, फिर जो है बनना क्या चाहिए, कैपिलरी के बाद वेन्यूल बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है वेंस हैं, उसके बाद जो है मतलब वेन्यूल्स, वेंस, उसके बाद फिर कैपिलरीज हैं, मतलब वेंस के बाद कैपिलरीज नहीं बननी चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर दो कैपिलरी बेड हैं तो जो है इसको कहते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। इस पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू जो है हाइपोथैलेमिक हार्मोन ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो आते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी में। अब हम बात करते हैं एबनॉर्मलिटीज के बारे में। इतनी देर हमने जो भी बातें की वो तकरीबन वो नॉर्मल चीजों की बातें की कि नॉर्मली ग्रोथ हार्मोन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन किस तरह से होती है, नॉर्मल फंक्शंस क्या हैं ग्रोथ हार्मोन के, वो पढ़े। पर अब एबनॉर्मलिटीज पढ़ते हैं ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन की, कि ग्रोथ हार्मोन अगर कम सिक्रेट होता है तो क्या होता है, ज्यादा सिक्रेट होता है तो क्या होता है। तो ये चार जो है डिसऑर्डर्स हैं या चार कंडीशन है, इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या होता है। पहली कंडीशन जो है वो पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म। पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म का मतलब ये है कि इंटीरियर पिट्यूटरी के सारे हार्मोन्स जो है वो डेफिशिएंट होंगे या डिक्रीज अमाउंट में सिक्रेट होते होंगे, मतलब उनकी सिक्रेशन बिल्कुल लो है या बिल्कुल डेफिशिएंट है, ना होने के बराबर है, तो उसको, उस कंडीशन को कहते हैं पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म। एक दूसरी कंडीशन मैं आपको बताता हूँ जिसमें क्या होता है कि ब्लड के सारे सेल जो हैं वो कम बनते हैं, ठीक है, उसमें आरबीसीज भी कम बनते हैं, उसमें डब्ल्यूबीसीज भी कम बनते हैं, उसमें प्लेटलेट्स भी कम बनते हैं, तो उसको कहते हैं पैन साइटोपेनिया। पैन साइटोपेनिया का मतलब ये है कि सारे सेल्स डेफिशिएंट होते हैं, ठीक है, मतलब ल्यूकोसाइटोपेनिया का मतलब है कि ल्यूकोसाइट कम हो, एनीमिया का मतलब है कि आरबीसी कम हो, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब है कि प्लेटलेट्स कम हो, पर अगर तीनों कम हो तो कहते हैं पैन साइटोपेनिया। उसी तरह से ये सारे हार्मोन्स अगर डेफिशिएंट हैं या कम अमाउंट में सिक्रेट होते हैं तो उसको कहते हैं पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म, मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी के सारे सेल्स जो हैं वो डिक्रीज अमाउंट में सिक्रेट होते हैं या जो है वो ना होने के बराबर हैं। तो ये क्यों होती है डिक्रीज सिक्रेशन या जो है कम्प्लीटली डेफिशिएंसी, वो कंजेनाइटल इनेबिलिटी हो सकती है, मतलब पैदाइशी जो है मसला हो सकता है कि हार्मोन सिक्रेट ना हो एंटीरियर पिट्यूटरी से, या जो है ड्यूरिंग लाइफ में कभी भी ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो ये मोस्ट ऑफन मतलब इसकी जो रीज़न है इसका वो पिट्यूटरी ट्यूमर है, कि जब भी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई ट्यूमर डेवलप होता है, मतलब एबनॉर्मल टिश्यू कोई डेवलप होता है, तो नॉर्मल मतलब फंक्शनल टिश्यू जो है जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है वो कम होने लगता है, तो वो मतलब ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन भी कम होगी और दूसरे हार्मोन्स की सिक्रेशन भी कम होगी। तो अगर सारे ट्यूमर की वजह से अगर सारे हार्मोन्स डेफिशिएंट हैं या सारे हार्मोन्स कम अमाउंट में सिक्रेट होते हैं तो उसको कहते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म। पिट्यूटरी ट्यूमर जो है वो एबनॉर्मल मतलब टिश्यू है, एबनॉर्मल टिश्यू की वजह से नॉर्मल टिश्यू भी डिस्टर्ब होता है, मतलब नॉर्मल टिश्यू भी डैमेज होता है, तो नॉर्मल टिश्यू अगर डैमेज हो जाए, नॉर्मल सेल्स जो है अगर हार्मोन प्रोड्यूस करने वाले सेल्स ही डैमेज हो जाए तो हार्मोन प्रोड्यूस कहाँ से होंगे, तो इस तरह से जो है मतलब कंडीशन डेवलप होती है जिसको कहते हैं पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म। उसके बाद हम जो है ये ड्वार्फिज्म के बारे में बात करते हैं कि ड्वार्फ का मतलब क्या है या ड्वार्फिज्म का मतलब क्या है। ड्वार्फिज्म मतलब कि ऐसा डिसऑर्डर जिसमें लोगों की हाइट जो है वो शॉर्ट हो, मतलब जिस बंदे को ये डिसऑर्डर होता है उसकी हाइट जो है वो शॉर्ट होती है, वो ड्वार्फ होते हैं। ड्वार्फ मतलब शॉर्ट हाइटेड। तो ये ड्वार्फिज्म क्यों डेवलप होती है, मतलब क्यों उनकी हाइट जो है वो शॉर्ट होती है, उसकी क्या वजह हो सकती है, उसकी मतलब क्या उसका रीज़न क्या है या काज क्या है। अगर हमारी जो, पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जो हाइट इंक्रीज होती है वो ग्रोथ हार्मोन की वजह से होती है, लेकिन ग्रोथ हार्मोन एक्ट कहाँ पे करता है, आप ये बोन देख लें, ये लॉन्ग बोन है, इसमें एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं एपिफाइजियल प्लेट या जिसको कहते हैं ग्रोथ प्लेट। ये जो आपको बीच में ये दिखाई दे रहा है ये ग्रोथ प्लेट है,
जो कार्टिलेज की बनी हुई है, ये कार्टिलेज की बनी हुई है, लेकिन ये हमारी एज बढ़ने से जो है क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन स्टेट करता जाता है और बोन की जो हाइट है वो इंक्रीज होती जाती है। पर हाइट इंक्रीज तब तक होती है जब तक ये ग्रोथ प्लेट मौजूद है। ग्रोथ प्लेट जो है ये, अगर ये कार्टिलेज की बनी हुई है, हाइलिन कार्टिलेज की, जब ये रिप्लेस हो जाती है बोन से, उसके बाद जो है हमारी हाइट इंक्रीज नहीं हो सकती। तो नॉर्मली क्या होता है कि हमारी हाइट जो है वो बढ़ती जाती है नॉर्मल हाइट पे हम जहाँ तक पहुँचते हैं, उसके बाद जो है ग्रोथ प्लेट्स रिप्लेस हो जाती हैं बोन से, उसके बाद हमारी हाइट इंक्रीज नहीं होती। ये नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं। पर एबनॉर्मली क्या होता है कि अगर ग्रोथ हार्मोन मतलब डेफिशिएंट हो बचपन से, मतलब पैदाइशी डेफिशिएंट हो, या उसके बाद मतलब उसकी अमाउंट जो है वो कम होने लगे, तो हमारी हाइट इंक्रीज नहीं हो सकती। ये जो हाइट इंक्रीज होती है ये एडल्ट मतलब हम होते हैं तब तक, मतलब प्यूबर्टल एज तक या उसके बाद एडल्टहुड तक जो है बढ़ सकती है, उसके बाद जो है ये नहीं बढ़ती। ये ग्रोथ प्लेट्स बंद होने के बाद जो है ये हमारी हाइट इंक्रीज नहीं हो सकती। तो अगर हमने जो कंडीशन बात की थी, जिस कंडीशन की जिसको कहते हैं पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म में सारे हार्मोन्स डेफिशिएंट होते हैं, उसके साथ साथ ग्रोथ हार्मोन भी डेफिशिएंट होगा। अगर चाइल्डहुड में ही ये हार्मोन डेफिशिएंट होने लगे तो हमारी हाइट इंक्रीज नहीं हो सकती। ठीक है, तो हाइट इंक्रीज नहीं होगी तो हम जो है वो शॉर्ट हाइटेड ही रह जाएंगे। ठीक है, उसके सिर्फ ग्रोथ, ऐसा नहीं है कि हार्मोन की वजह से सिर्फ ग्रोथ रुकती है, उसकी डेवलपमेंट भी पूरी रुक जाती है उस बंदे की, मतलब वो डेवलप नहीं हो सकता। वो 10 साल मतलब ईयर्स का हो तो ऐसा लगेगा कि ये 5 मतलब ईयर्स का है, अगर वो 20 सालों का है तो वो लगेगा कि ये 10 सालों का है। तो मतलब उसकी डेवलपमेंट भी सही तरह से नहीं होगी ग्रोथ हार्मोन की वजह से। और अगर ग्रोथ हार्मोन नहीं होगा बचपन से ही तो ग्रोथ नहीं होगी और वो शॉर्ट हाइटेड रहेंगे, और इस डिसऑर्डर को कहते हैं ड्वार्फिज्म। तो ये पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म की वजह से भी ड्वार्फिज्म हो सकती है, उसको कहते हैं पेन हाइपोपिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। मतलब पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म की वजह से अगर शॉर्ट हाइटेड मतलब कोई रह जाए तो उसको कहते हैं पेन हाइपोपिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। मतलब सारे हार्मोन्स डेफिशिएंट थे, उसके साथ साथ ग्रोथ हार्मोन भी डेफिशिएंट था, तो उसकी वजह से जो है हाइट इंक्रीज नहीं हुई और वो बंदा शॉर्ट ही रह गया, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, पेन हाइपोपिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। तो इसके साथ साथ मैंने आपको क्या बताया कि सिर्फ ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंट नहीं होता, उसके साथ साथ सारे हार्मोन जो एंटीडे पिट्यूटरी से सीक्रेट होते हैं नॉर्मली, वो सारे नहीं होंगे या कम अमाउंट में होंगे। तो मतलब उसमें गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन्स भी नहीं होंगे, तो वो जो है मतलब उसमें सेक्सुअल डिसफंक्शन भी होंगे, वो मतलब जो है वो प्यूबर्टी तक, मतलब उसका जो है प्यूबर्टी में वो पहुंचेगा ही नहीं, और उसके सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी सही तरह से डेवलप नहीं होंगे। तो मतलब ये पेन हाइपोपिट्यूटरी ड्वार्फिज्म के साथ साथ जो है वो दूसरे मसले भी होंगे। पर अगर सिर्फ हार्मोन का ही, ग्रोथ हार्मोन का ही मसला हो, जैसे मैं हमने बात की थी अफ्रीकन पिग्मी की या लेजी लोरेन ड्वार्फ की, तो उसमें सिर्फ ग्रोथ हार्मोन जो है, ग्रोथ हार्मोन तो उनमें सीक्रेट होता था, लेकिन उनमें सोमेटोमेडिन सी बनने की इनेबिलिटी होती है। अफ्रीकन पिग्मी जो ट्राइब है उसमें सोमेटोमेडिन सी नहीं बनता, या लेजी लोरेन ड्वार्फ जो है उनमें भी सोमेटोमेडिन सी नहीं बनता, उनमें हेरिडिटरी इनेबिलिटी है सोमेटोमेडिन सी बनाने की। तो मतलब वो सिर्फ ग्रोथ हार्मोन का एक मतलब इंटरमीडिएट सब्सटेंस जो है, जिसको इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर कहते हैं या जो है सोमेटोमेडिन सी कहते हैं, वो डेफिशिएंट था। उसके डेफिशिएंट होने की वजह से जो है वो शॉर्ट हाइटेड लोग हैं वहाँ पे, अफ्रीका का एक ट्राइब है वो भी शॉर्ट हाइटेड है, और दूसरे ममालिक में भी अगर कहीं पे सोमेटोमेडिन सी बनने की इनेबिलिटी हो किसी में तो भी वो ड्वार्फ होगा, तो उसको कहते हैं लेवी लोरेन ड्वार्फ। ठीक है, बाकी अगर पेन हाइपोपिट्यूटरी ड्वार्फिज्म हो तो उसमें हाइट भी कम होगी, उसमें सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी डेवलप नहीं होंगे, और भी इसमें मसले होंगे।
हमने जो अफ्रीकन पिग्मी की बात की थी, ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा ट्राइब जो है, ये सारा ट्राइब शार्ट आईटेड है। ये जो बंदा दिखाई दे रहा है, ये इनको देखने गया है कि कैसे दिखते हैं। ये नॉर्मल इसकी हाइट है, ये अफ्रीका उस ट्राइब का नहीं है। तो ये सारे जो हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, सारे शार्ट आईटेड हैं, और इस ट्राइब को कहते हैं अफ्रीकन पिग्मी, पिग्मीज ऑफ अफ्रीका। उसके बाद हम बात करते हैं जाइजेंटिज्म की। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें ग्रोथ हार्मोन जो है वो एक्सेसिव अमाउंट में सीक्रेट होता है। एक्सेसिव अमाउंट में सीक्रेट होने की वजह से लोगों की हाइट जो है वो ज्यादा इंक्रीज होती है नॉर्मल से, मतलब एवरेज जो हाइट है उससे भी बहुत ज्यादा, मतलब जियांट साइज के होंगे वो लोग। तो इस डिसऑर्डर को कहते हैं जाइजेंटिज्म। हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में जो सेल्स होते हैं सोमेटोट्रॉफ, उनको कहते हैं एसिडोफिलिक सेल्स। एसिडोफिलिक सेल्स जो हैं वो अगर ज्यादा एक्टिव हो जाएं, एक्सेसिवली एक्टिव हो जाएं, ज्यादा हार्मोन सीक्रेट करें, या एसिडोफिलिक ट्यूमर हो जाए, मतलब वो सेल्स जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं उनमें अगर ट्यूमर हो जाए जिसमें वो सेल्स इंक्रीज हो जाएं और हार्मोन ज्यादा सीक्रेट करने लगें, तो हमारे हार्मोन की क्वांटिटी जो है वो भी लार्ज होगी। ग्रोथ हार्मोन ज्यादा होने की वजह से जो है हमारी हाइट भी ज्यादा होगी, 8 फीट तक मतलब हाइट हो सकती है। तो ये तब होगा जब ग्रोथ हार्मोन की सीक्रेशन एडल्टहुड से पहले हो, मतलब चाइल्ड एज में या एडोलेसेंस में अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो तो हाइट इंक्रीज हो सकती है। मैंने आपको बताया था कि एडल्ट होने के बाद जो है ग्रोथ प्लेट्स बंद हो जाती हैं, मतलब वहां पे जो हाइलिंग कार्टिलेज जो है वो बोन में रिप्लेस हो जाती है। ये ग्रोथ प्लेट्स जो है ये बंद होने के बाद जो है हाइट इंक्रीज नहीं हो सकती। ये बंद कब होती है, जब हम एडल्ट होते हैं। तो एडल्ट होने के बाद ग्रोथ हार्मोन भले ज्यादा हो लेकिन हाइट इंक्रीज नहीं होगी। लेकिन एडल्टहुड से पहले जो है चाइल्ड एज में या एडोलेसेंस में अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो तो हमारी हाइट इंक्रीज हो सकती है एवरेज हाइट से बहुत ज्यादा। तो जाइजेंटिज्म में क्या होता है कि मतलब बचपन में ही जो ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सीक्रेट होता है उसकी वजह से हाइट हमारी एवरेज हाइट से बहुत ज्यादा होती है, 8 फीट तक हम टाल हो सकते हैं। तो इसको कहते हैं जाइजेंटिज्म। ये कंडीशन कैसी है जिसमें ग्रोथ हार्मोन एडोलेसेंस से पहले ज्यादा सीक्रेट होता है, ठीक है, एडोलेसेंस से पहले मतलब चाइल्डहुड में या एडोलेसेंस में, तो ये हाइट जो है इतनी इंक्रीज हो सकती है। देखें ये दुनिया का टालेस्ट बंदा है। दूसरा आपको दिखाई दे रहा है दुनिया का शार्टेस्ट बंदा। दोनों में कितना डिफरेंस है देखें हाइट में। ये ग्रोथ हार्मोन की एक्सेसिव अमाउंट में सीक्रेट होने की वजह से है, और ये ग्रोथ हार्मोन ना सीक्रेट होने की वजह से है। ये हाइट टालेस्ट मतलब ये सबसे टाल है, दुनिया का सबसे टालेस्ट बंदा है, ये दुनिया का सबसे शार्टेस्ट बंदा है। ये ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से शार्ट है, और ये ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस की वजह से शार्ट, सॉरी टाल है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो है रिप्लेस हो चुकी है, हायरिंग कार्टिलेज जो है वो रिप्लेस हो चुकी है बोन से। ये सिर्फ एक लाइन रह गई है, मतलब सिर्फ निशानी रह गई है कि यहाँ पे कार्टिलेज थी, एपिफाइजल लाइन ही रह गई है। बाकी ये एपिफाइजल प्लेट या ग्रोथ प्लेट थी पहले जो हाइलिंग कार्टिलेज की बनी हुई थी, लेकिन अब ये रिप्लेस हो गई है बोन से। ये रिप्लेस होने के बाद जो है हाइट इंक्रीज नहीं होती। अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं जिसको एक्रोमेगली कहते हैं। हमने बात की कि एडोलेसेंट से पहले अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सीक्रेट हो तो हमारी हाइट एवरेज हाइट से बहुत ज्यादा होती है, पर एडोलेसेंस के बाद मतलब एडल्ट बनने के बाद अगर 18 इयर्स का बंदा कोई है या उससे ज्यादा एज है उसमें ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सीक्रेट होने लगे तो हाइट नहीं बढ़ती, क्योंकि उसके बाद जो है ये ग्रोथ प्लेट बंद हो जाती है, ये रिप्लेस हो जाती है बोन से, इसके बाद हाइट इंक्रीज नहीं हो सकती। तो अब क्या होगा अगर हाइट इंक्रीज नहीं हो सकती, जो हाइट बोन की वो इंक्रीज नहीं होगी, लेकिन जो मेम्ब्रेनस बोन्स होती हैं जैसे हमारी क्रेनियल बोन्स हैं या जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम की जो इरेगुलर बोन्स हैं, ये थिक हो सकती हैं, मतलब इनकी थिकनेस ज़्यादा हो सकती है,
या जो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज हैं वो जो है ज्यादा उनकी साइज जो है इंक्रीज हो सकती है। तो मतलब कोई भी बंदा जिसमें एडल्टहुड के बाद हार्मोन ज्यादा सीक्रेट होने लगी है ग्रोथ हार्मोन, तो उसकी हाइट इंक्रीज नहीं हो सकती, उसकी क्रेनियल बोन्स की थिकनेस इंक्रीज हो सकती है, उसके वर्टिब्रल कॉलम के जो बोन्स हैं उनकी थिकनेस ज्यादा हो सकती है, या सॉफ्ट टिश्यूज जो हैं वो इनलार्ज हो सकते हैं। तो ये जो कंडीशन है इसको कहते हैं एक्रोमेगली। इसमें क्या होता है कि लोअर जा जो है हमारी, मैं पहले आपको पिक्चर दिखा देता हूँ, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। लेकिन ये लोअर जा जो है ये प्रोट्रूड आउटवर्ड है, मतलब इसकी नॉर्मल नॉर्मली ये इतनी बाहर नहीं होती ये लोअर जा जितनी इसमें पिक्चर में दिखाई दे रही है। तो ये ग्रोथ हार्मोन एडल्टहुड के बाद जो सीक्रेट होता है उसकी वजह से ये भी जो है लोअर जा आउटवर्ड है, ये भी लोअर जा आउटवर्ड है। उसके बाद ये जो देखें सुप्रा आर्बिटल जो रिजिज हैं ये भी आउटवर्ड हैं, ये इतनी मतलब थिकनेस ज्यादा हो गई इसकी, ये दिखाई दे रही है इतनी, ये भी ग्रोथ हार्मोन की एक्सेसिव अमाउंट की वजह से है। लेकिन एडल्टहुड के बाद ये नोज की साइज देखें नॉर्मल साइज के साइज से ज्यादा है, लिप्स जो हैं ये भी इतने थिक हैं। तो ये जो सारी आपको दिखाई दे रही है साइंस ये एक्रोमेगली की है। और इसकी टंग जो है टंग समूथ टंग जो स्केलेटल मसल की होती है सॉफ्ट टिश्यू है, तो वो भी ज्यादा इंक्रीज होगा साइज में, इसकी किडनी भी ज्यादा इंक्रीज हो सकती है, लिवर भी ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। तो ये सारे ग्रोथ हार्मोन की एक्सेसिव की वजह से लोअर जा आउटवर्ड होगी प्रोट्रूड फॉरवर्ड। उसके बाद फोर हेड जो है स्लेंट फॉरवर्ड, मैंने आपको बताया कि सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस जो है ये देखो फॉरवर्ड है, ये ग्रोथ हार्मोन की वजह से है। उसके बाद नोज जो है वो ट्वाइस नॉर्मल साइज का होगा, मतलब नॉर्मल साइज से दुगना, और फीट्स जो होंगे वो ज्यादा उनकी साइज होगी, मतलब लार्जर शूज चाहिए होंगे उनको, मतलब 14 साइज के, और फिंगर्स जो है वो भी थिक होंगी बहुत, तो मतलब जो ग्लव्स साइज भी ज्यादा चाहिए उसको, ग्लव्स जो चाहिए होंगे वो भी ज्यादा साइज के चाहिए होंगे। तो ये सारी जो कंडीशंस हैं ये एक्रोमेगली की हैं, साइंस सारी एक्रोमेगली की हैं। इसमें काइफोसिस डेवलप हो सकती है, मतलब हंच बैक, नॉर्मल बैक और हंच बैक में आपको दिखा रहा हूँ, ये नॉर्मल बैक है नॉर्मल स्पाइन है, और ये जो है हंच बैक है या जिसको काइफोटिक स्पाइन कहते हैं, मतलब ये बंदा जो है इसको काइफोसिस हो गई है, मतलब देखें कितना वर्टिकल कॉलम जो है कितना आउटवर्ड है, तो इसको कहते हैं काइफोसिस, ये काइफोसिस है, हंच बैक इसे कहते हैं। ये भी ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस अमाउंट की वजह से डेवलप होती है। और जो किडनीज होंगी वो भी इनलार्ज होंगी, लिवर जो है वो भी इनलार्ज होगा, और टंग जो है वो भी इनलार्ज होगी। तो ये सारे कंडीशंस जो हैं ये एक्रोमेगली की हैं। बस हमने जो है पहले सबसे पहले क्या डिस्कस किया ग्रोथ हार्मोन की नॉर्मल स्ट्रक्चर के बारे में, वो किस चीज़ का बना हुआ है उसके बारे में, उसको क्या कहते हैं, कहाँ से सीक्रेट होता है, उसको रेगुलेट कौन करता है। उसके बाद हमने उसके नॉर्मल फंक्शंस पढ़े कि वो ग्रोथ भी करवाता है और मेटाबॉलिज्म को भी इन्फ्लुएंस करता है। मेटाबॉलिज्म के बारे में हमने प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पढ़ी कि प्रोटीन को वो इंक्रीज करवाता है, मतलब इस तरह से वो लीन बॉडी मास इंक्रीज करवाता है। और दूसरा हमने बात की कि वो फैट को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करवाता है, इस तरह से फैट हमारी बॉडी में कम होने लगती है। और तीसरा हमने बात की कि कार्बोहाइड्रेट्स की यूटिलाइजेशन को वो कम करता है, ठीक है। तो ये मेटाबॉलिक अफेक्ट्स थे। उसके अलावा ग्रोथ के बारे में हमने बात की कि ये नॉर्मली हमारी जो हाइट इतनी होती है 5.6, मतलब 5 फीट से 6 इंचज अगर एवरेज हाइट है, तो वो ग्रोथ हार्मोन की वजह से है। ग्रोथ हार्मोन अगर कम होता है तो हाइट मतलब इंक्रीज नहीं हो पाती, ग्रोथ हार्मोन अगर ज्यादा होता है तो वो डिपेंड करता है कि ग्रोथ हार्मोन एडल्टहुड से पहले ज्यादा था या एडल्टहुड के बाद ज्यादा है। अगर एडल्टहुड से पहले ज्यादा था तो हमारी हाइट जो है एवरेज हाइट से ज्यादा इंक्रीज हो सकती है, ठीक है ना। ये कंडीशन हमने पढ़ी कि पेन हाइपोपिट्यूटरीज़म में क्या हो रहा है कि
सारे हार्मोन्स जो हैं वो डेफिशिएंट हैं, उनके साथ साथ ग्रोथ हार्मोन भी डेफिशिएंट है, तो इसकी वजह से हमारी हाइट शॉर्ट हो सकती है। दूसरा हमने पढ़ा कि ड्वार्फिज्म, ड्वार्फिज्म मीन्स शॉर्ट हाइटेड डिसऑर्डर, ऐसा डिसऑर्डर जिसमें हाइट जो है वो शॉर्ट होती है। शॉर्ट किसकी वजह से होती है, दो रीज़न हो सकते हैं कि या तो ग्रोथ हार्मोन खुद जो है कम सीक्रेट होता है, या जो है सोमेटोमेडिन सी कम बनता है। ग्रोथ हार्मोन खुद कम सीक्रेट होता है तो किसकी वजह से कम सीक्रेट होता है, पेन हाइपोपिट्यूटरीज्म की वजह से हो सकता है, तो उसको कहते हैं पेन हाइपोपिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। अगर ग्रोथ हार्मोन नॉर्मल है या नॉर्मल से भी हाई है लेकिन सोमेटोमेडिन सी नहीं बन रहा, तो हम देखेंगे कि ये कहाँ पे, कौन से ट्राइब में या कौन सी लोकेशन पे लोग रहते हैं उनमें सीक्रेट नहीं हो रहा। अगर वो अफ्रीका का वो ट्राइब जिनमें सबकी हाइट जो है शॉर्ट है, सब में सोमेटोमेडिन सी नहीं बन रहा, तो उनको कहते हैं अफ्रीकन पिग्मीज। अगर किसी और जगह से किसी और मुल्क में है या ममालिक में है तो उनको कहते हैं लेवी लॉरेंट ड्वार्फ। उसके बाद जायजेंटिज्म की अगर हम बात करें तो जायजेंटिज्म का मतलब है जो हाइट है वो एवरेज हाइट से बहुत ज़्यादा है, तो ये ग्रोथ हार्मोन की सीक्रेशन ज़्यादा होती है उसकी वजह से हाइट इंक्रीज होती है। अगर एडल्टहुड से एडोलेसेंस से पहले ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट होने लगे तो बंदा जो है वो एवरेज हाइट से बहुत ज़्यादा उसकी हाइट हो सकती है, उसको कहते हैं जायजेंटिज्म। अगर एडल्टहुड के बाद एडोलेसेंस के बाद हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट होने लगे तो हाइट तो इंक्रीज नहीं हो सकती लेकिन मेम्ब्रेनस बोन्स, सॉफ्ट टिश्यूज, किडनीज और लिवर इलाज हो सकते हैं, तो उसको उस कंडीशन को कहते हैं एक्रोमेगली। ये थे ग्रोथ हार्मोन के डिसऑर्डर और उसकी नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में लेक्चर। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।